सोमवार उमाकान्त स्कूलेर काउंटिंग हल परिदर्शन करें काउंटिंग पर्यवेक्षक विवेक भीमन ओवार एवं पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसनेर रिटार्निंग अफिसार डॉक्टर विशाल कुमार। भोट गणना केंद्र परिदर्शन शेषे सांबादिकदेर मुखोमुखी हये रिटार्निंग अफिसार जानान भोट गणना केंद्रे त्रिस्तरीय निरापत्ता व्यवस्था रखा हबे। गणना केंद्रे 100 मीटारेर मध्ये जानबाहन एवं साधारण जनगणके प्रवेश करते देवा हबे ना। काउंटिंग हलेर अभ्यंतरे निरापत्तार दायित्वे थाकबे सीआरपीएफ। कल सुबह 8 बजे से लोकसभा 2024 के लिए मतगणना शुरू होगी, जिसमें जो सबसे बड़ा सेंटर है स्टेट में उमाकांता एकेडमी, जिसमें 14 असेंबली सेगमेंट है, इसमें भी कल ही मतगणना शुरू होगी। और जो भी तैयारियां हैं मतगणना से रिलेटेड, जैसे काउंटिंग स्टाफ या पोलिंग काउंटिंग एजेंट अथवा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तैयारियां हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। डिफरेंट असेंबली सेगमेंट में लगभग 8 से लेके और 14 तक काउंटिंग टेबल रहेंगे। साथ के साथ साथ जो पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल हैं वो लगभग 28 होंगे, और EDBPS के लिए जो हमारा स्कैनिंग का माध्यम है वो 15 टेबल्स के थ्रू किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि टोटल जो काउंटिंग स्टाफ होगा वो लगभग 1000 के आसपास, 1000-1200 के आसपास काउंटिंग स्टाफ कल इस एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद होगा, और लगभग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के 1000 या 1200 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हम लोग काउंटिंग एजेंट बोलते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से अथवा फायर सर्विस हो, टेली कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट हो, इन सभी माध्यम से जो भी तैयारियाँ पॉसिबल हैं वो हमने की हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।